वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज गाइस एक नया वीडियो है एस्टीमेशन इंजीनियर्स, जो भी इंटरव्यू देना है या एस्टीमेशन इंजीनियर्स को क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आज के ऊपर वीडियो लाया हूँ कि जब भी आप एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए जाएं तो क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उसके आंसर्स क्या होने चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्या क्या हो जाए। टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझसे वहाँ DM कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, आप कोई भी इंटरव्यू पे जब आप बैठेंगे सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको जो पूछेंगे वो कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। डरिए नहीं, फियर फैक्टर जीरो होना चाहिए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मैंने पहले ही बताया कि एक लाइन लिख लीजिए कि पहले मेरा नाम, फिर मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी कॉलेजेस, मेरे सिबलिंग्स, एक लिख लीजिए इंट्रोडक्शन, वही रट लीजिए और उसी हिसाब से सब जगह आपको सेम इंट्रोडक्शन देना है, ताकि आप कोई भी पोस्ट में जाएँ आपको इंट्रोडक्शन लगेगा ही लगेगा। तो वो इंट्रोडक्शन आपका सेम वही रहेगा तो आपको प्रॉपर याद रहेगा, प्रॉपर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने आप को। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, जो मैं लाइव देखा हूँ आज, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द लास्ट कंपनी, मतलब जो अभी या करंट कंपनी में जो काम कर रहे हो या लास्ट कंपनी में जो तुमने काम किया उस वहाँ पर आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, तो वो प्रॉपरली आपको डिस्क्राइब करने आना चाहिए कि हम मैं यहाँ पर ये शीट, वो शीट, और जो भी आप काम करते थे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर का, कॉस्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग, BBS क्वांटिटी, जो भी आप करते थे XYZ, आप जहाँ भी हैं वहाँ करते थे, वो आप प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दीजिए कि मैं ये काम करता था। तो उसी में से आपके क्वेश्चंस रेज होंगे, अराइज होंगे। और थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, जो आपको दिया जाएगा, एक 10x10 फीट का वॉल बना देंगे या कोई भी एक प्लान का डायग्राम बना देंगे और बोलेंगे क्वांटिटी निकालो। क्वांटिटी आपको निकालना रहेगा प्लास्टर की, उसके बाद आपकी पेंटिंग की, फ्लोरिंग की, डोर फ्रेम की, जो भी सामने वाला आपको क्वांटिटी निकालने के लिए दे, तो फिनिशिंग के अंदर ये क्वांटिटी निकालेंगे। प्लस उसका रेट आपको पता रहना चाहिए, वो मटेरियल का रेट कैसे, आपको मान लीजिए कि टाइल्स का रेट कॉस्टिंग क्वांटिटी निकालने के लिए दिया है, ओके, तो टाइल का आपको एक नॉमिनल रेट पता रहना चाहिए, 2x2 की जो अपनी चलती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, और फिर लेबर रेट उसका जो चलता है 24 रुपये से लेके 30 रुपये तक, तो ये रेट पता रहेगा तो ही तो आप कॉस्टिंग और एस्टिमेशन उसका कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा क्वेश्चन हो गया, ओके, आंसर भी मैंने बताया। चौथा क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थंब रूल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मैंने वीडियो भी डाला था बट अभी वापस से बता रहा हूँ कि थंब रूल, जैसे अभी मान ली एग्जांपल आपने कहीं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके, उसका प्लान आ गया, विदाउट प्लान आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपका प्लान आपको चाहिए ही चाहिए, विदाउट प्लान काम नहीं कर सकते, एरिया, हाइट, सब कुछ वहाँ से मिलता है, तो आपको विदाउट प्लान आप नहीं कर सकते। वहाँ का प्लान आ गया, आपके बॉस ने बोला, आपके जो ओनर है उन्होंने बोला कि मुझे एक टेंटेटिव एस्टीमेट दे दो, तो आप कैसे निकालेंगे, इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो थंब रूल क्या होगा, कंक्रीट का पूछ सकते हैं, तो 0.038 से 40 तक आपका क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर फीट कंक्रीट जाता है आपका। उसके बाद स्टील अगर ले लीजिए तो 4.526 kg पर स्क्वायर फीट स्टील जाता है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग में। अभी ब्रिक वर्क ले लीजिए, तो इसी तरीके के जो भी थंब रूल्स हैं उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन से एक मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ और कुछ आंसर्स भी आपको बता रहा हूँ जो हमेशा पूछे जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हैं ये सब। उसके बाद ब्रिक वर्क का हो गया, 230 mm का ब्रिक वर्क है तो उसमें ब्रिक्स कितने लगते हैं, तो भी ब्रिक्स उसमें समझ लीजिए 0.876, 0.878, 0.9 m³ ब्रिक्स लगते हैं 230 mm ब्रिक वर्क के, और 25 बैग सीमेंट लगता है। उसके बाद आपका 115 mm का ब्रिक वर्क है तो 0.218 m³ आपका ब्रिक्स लगेगा, 6.32 बैग्स आपका सीमेंट लगेगा, 6.57 बैग्स लग सकता है। तो ये एक थंब रूल है जिससे आप इजीली फटाफट आप बिल्डिंग का एस्टीमेट निकाल सकते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना जाएगा, ओके, प्लास्टर का ले लीजिए, सीमेंट का ले लीजिए, कितना जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जो नॉमिनल स्टार्ट के उसमें स्टार्ट होती है, तो आप बजट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो पाँचवा क्वेश्चन है वो है स्टील का BVS एंड कॉन्क्रीट क्वांटिटी, मतलब स्टील का क्वांटिटी और कॉन्क्रीट का क्वांटिटी। अब स्टील का क्वांटिटी निकालने के लिए आपको एक फुटिंग बना के भी दे सकते हैं, राफ दे सकते हैं, या फिर UGT अंडरग्राउंड टैंक दे सकते हैं, आपको ओरा टैंक का ड्राइंग दे सकते हैं, कॉलम, बीम, फुटिंग, राफ्ट,
तो किसी का भी आपको ड्राइंग दे सकते हैं मैनुअल निकालने के लिए कि हाथ से ये साइज का बीम है, ये साइज का फुटिंग है, ये स्टील लाया है, आप हाथ से इसको निकाल के दिखाइए, तो वो आपको देंगे कोई भी एक प्लान, आप उसको उसका BVS निकाल के देना रहेगा और कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकाल के देना रहेगा। ओके, उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका जो भी आपने काम किया है, अपने सिक्स क्वेश्चन जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने काम किया है वो क्या क्या काम किया है और किस रेट पे, मतलब जब भी आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करें तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने रेट्स पता है तो ही आप कॉस्टिंग फटाफट फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे RCC का क्या रेट चल रहा है, विथ मटेरियल क्या चल रहा है, विथ लेबर विदाउट मटेरियल क्या चल रहा है, टाइल्स कफी है, फिर अपना ब्लॉक वर्क है, प्लास्टर है, जिप्सम है, फ्लोरिंग है, पार्किंग है, ये सब चीज़ों का रेट्स क्या है, रेट्स की आइडिया आपको रहना चाहिए। ओके, सेवन क्वेश्चन मैं बताऊं तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल का क्या परसेंटेज होता है उसके बेस पे आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब सीमेंट में कितना वेस्टेज आप पकड़ेंगे आप कॉस्टिंग के अंदर या इंडियन कट रहे मटेरियल उसके अंदर, तो सीमेंट का 3-5% है, सैंड का 5-15% है, कोर्स एग्रीगेट 6-10% है, टाइल का 5-30% है एज पर डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन का आपको टाइल्स लगाना है, फ्लोरिंग करना है, ग्रेनाइट 8-12%, स्टील 4.5-6%, फिर आपका ब्रिक्स है 9-9%। ओके, फिर आपका आ गया पेंट 5-10%, कॉन्क्रीट फिर आ जाएगा आपका 1-5%, शटरिंग और मोटर आपका आ जाएगा 1%। ओके, तो इसी तरीके की जितने भी वेस्टेज वगैरह मैंने आपको जो बता दिया वो वेस्टेज ही पूछते हैं कि कितना वेस्टेज आप पकड़ के कॉस्टिंग निकालें, क्योंकि कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगी तो चलेगा, कम होगी तो फिर आपके ऊपर डाउट हो जाएगा आपने पकड़ा क्यों नहीं, हमारा बजट जो है हुल गया, तो ये सारी चीज़ें आपको वेस्टेज ही पकड़ के चलना है। फिर एट क्वेश्चन ले लीजिए कि आपको दिया जाएगा एक PC या लैपटॉप, उसमें आपको एरिया कैलकुलेशन के लिए P-Line से PL का जो कमांड होता है वो यूज़ करने के लिए दिखाएंगे, फिर आपका एरिया कैलकुलेशन है उसका एरिया का जो कमांड है वो, तो आपका ऑटोकैड नॉलेज चेक करेंगे, उसके बाद एक्सेल पे भी आपको BVS करने के लिए बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट क्वांटिटी, स्टील क्वांटिटी, क्योंकि आप तो काम एक्सेल पे ही करने वाले हैं तो एक्सेल पे भी आपको बैठा सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए सारे मटेरियल्स का, काम का जो है वो रेट एनालिसिस आना चाहिए, लेबर का, मटेरियल का, सारा, तो दो ऐसी कुछ स्टार्ट की कुछ चीज़ें हैं वो सीख लीजिए, रेट एनालिसिस क्या क्या कैसे कैसे करना है। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए, सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आपकी सैलरी अभी कितनी है, मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो 20,000 में आपको कितना चाहिए, तो मैं अभी 30,000 बोल दूँ तो ठीक है, कम ज़्यादा करके 28 तक तो मे भी मिल सकती है, तो ऐसा नहीं कि आपकी 20,000 आप बोलेंगे मेरे मुझे 50,000 दो तो आप तो वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी सैलरी एक्सपेक्टेशन पहले से डिसाइड करके जाइए। उसके बाद और कुछ है और भी जो आपको कुछ आपको जानना है कि सैलरी कंपनी का क्या पॉलिसी क्या रूल है, या कुछ आप आके जब आप फ्रेंडली बात करेंगे इंटरव्यूअर से तो आप अपनी बात पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन है एस्टिमेशन इंजीनियर्स के, जो भी क्वेश्चन है मैं आपको दिया, ये टॉप मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है अभी के इंडस्ट्री में, चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए, वो भी मैं नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ, जो 4-5 साल में काम करने के लिए जाते हैं एज एस्टिमेशन इंजीनियर, ऐसा नहीं कि टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे अलग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो मैं जानता था उन्हें आपको मैंने आपको बताया और यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइव, इसलिए मैंने आपको डाल दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ